हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रुई जैसे सॉफ्ट और गुलाब जामुन जैसे जूसी रसीले दही वड़े की रेसिपी। और गाइस, सिर्फ कहने के लिए नहीं, रुई जैसे नरम जैसे स्पंज बॉल नहीं होती, वो जो येलो कलर की पीले रंग की एक स्पंज बॉल आती है, तो उसी तरीके से बिल्कुल, मतलब सच में क्या बोलूं मैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे दही। और गाइस, अगर मैं बात करूँ इस रेसिपी की, तो इस रेसिपी को बनाना कुछ हद तक आसान है, लेकिन अगर आपने कुछ टिप्स को फॉलो किया तो ये रेसिपी आप बिल्कुल परफेक्ट, जैसे मार्केट में दही वड़े मिलते हैं ना, एकदम नर्म जूसी और बिल्कुल मॉइस्ट दही वड़े, वैसे ही दही वड़े आप घर पे बना सकते हो। और गाइस, बहुत से लोग हैं जिनको इस रेसिपी में दिक्कत आती है, जैसे कि उनके दही वड़े टाइट हो जाते हैं, हार्ड बनते हैं और दही वड़े के अंदर तेल चला जाता है, मतलब बहुत ही ऑयली से बनते हैं दही वड़े, तो वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में बताया है। और गाइस, आप इस रेसिपी को बनाते वक्त कोई भी गड़बड़ ना करो और आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने, आप बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट दही वड़े घर पे बना पाओ, तो इसके लिए मैंने इस टिप्स बताए हैं इस वीडियो में। तो उसको आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है और फॉलो करना है बस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलो फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको लेना है 1.5 कप उड़द दाल और उसको पानी में भिगो के रख देना है। और इस वाले कप के मेज़रमेंट से मैंने 1.5 कप उड़द दाल लिया था। आप चाहो तो कोई भी चाय वाला कप या फिर कटोरी के हेल्प से भी इसको मेज़र कर सकते हो। 2 से 3 घंटे ही आपको इसको पानी के अंदर भिगो के रखना है और फिर इसका पानी जो है वो निकाल लेना है। अच्छे से पानी निकालना, सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है, पानी जो है वो आप अच्छे से निकालना, इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। तो पानी ड्रेन आउट कर देने के बाद हम इसको डाल देंगे एक मिक्सचर के जार में। और यहाँ पे मैंने इस उड़द दाल को 2 बैचेस में ब्लेंड किया है। अब आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हो, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आपने इससे ज़्यादा पानी डाल दिया ना, तो मतलब आप ये समझ जाओ कि आपने इस रेसिपी का सत्यानाश कर दिया। तो यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको इसको ना बिल्कुल फाइन पीसना है, बिल्कुल मतलब स्मूथ पीसना है, इसमें कोई गुठली वुठली नहीं होने चाहिए, दाल के जो पीसेज होते हैं वो नहीं होने चाहिए, मतलब एकदम आपको स्मूथ, जैसे क्रीम होती नहीं, छोड़ो क्रीम कहाँ लग रहा है, ये वैसे मेयोनीज जैसा लग रहा है, मेयोनीज जैसे होती है ना वैसे ही आपको पीसना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इसको स्मूथ पीसना है और दूसरा चीज़ ये गाढ़ा पीसना है, ठीक है, मतलब इसका बैटर जो है वो आपको गाढ़ा रखना है, पतला नहीं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक 1/2 चम्मच और अभी आपको स्वाद के अनुसार नमक अभी नहीं डालना है, सिर्फ आपको 1/2 चम्मच नमक डालना है और साथ में ही डालना है 1 टीस्पून ज़ीरा, जो कि हम खाने वाला ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं ना, क्यूमिन सीड्स, वो डाल देना है और 1 टेबल स्पून अदरक और हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल देना, ठीक है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो। तो इन सबको अच्छे से डाल के मिला लेना है। और अब मैं बताता हूँ सबसे ज़रूरी बात, सबसे ज़रूरी टिप जो कि आपको इसमें ध्यान रखना है और फॉलो तो ज़रूर करना है, आपको इसको लगातार 8 से 10 मिनट एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। अब ये फेंटना बहुत ज़रूरी है, देखो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको फेंटोगे ना, उतनी ज़्यादा इसमें हवा भरेगी और हवा भरेगी तो आपके जो वड़ा होंगे वो भी बहुत सॉफ्ट और एकदम फूले फूले नरम बनेंगे, ठीक है, तो फेंटना बहुत ज़रूरी है, 8 से 10 मिनट एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। लेकिन अब एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि आपको इसको गलती से भी उल्टे डायरेक्शन में नहीं फेंटने लगना, मतलब आप ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज फेंट रहे थे फिर एंटी क्लॉकवाइज हो गए, मतलब उल्टा नहीं आपको फेंटना, ठीक है ना, आप जिस डायरेक्शन में पहले फेंट रहे थे, जैसे पहले घुमा रहे थे वैसे ही फेंटना है। और फेंटने के लिए आप हाथ से फेंट लो या विस्क से फेंट लो, काम एक ही हो रहा है ना। तो चेक करने के लिए कि आपने अच्छे से फेंटा है कि नहीं, आप कटोरे में पानी लो, उसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखो, अगर उस पर इस तरह से तैरने लगता है तो मतलब आपने अच्छे से फेंटा हुआ है। देखो मैं चम्मच में ले रहा हूँ इस तरह से, तो एकदम से नहीं गिर रहा, बहुत पतला नहीं है, गाढ़ा है और एकदम लाइट हो गया है, क्रीम के जैसे, जैसे व्हिपिंग क्रीम होती है ना वैसे। तो वड़ा बनाने से पहले आपको साइड में इस तरह से पानी लेके रखना है कटोरे में और अपनी उंगलियों को पानी में डुबोकर फिर वड़ा को शेप देना है फ्राई करने से पहले। तो चलो भाई, अब हम कर लेते हैं अपने वड़ा को फ्राई। तो फ्राई करने के लिए आपको क्या करना है, तेल यहाँ गर्म होने के लिए रखा है मैंने मीडियम फ्लेम पर, थोड़ा सा पोर्शन लेना है इस तरह से बैटर का, थोड़ा इस तरह से उंगलियों के बीच में आपको बैटर लेना है और पानी में अपनी उंगलियों को पहले डुबो लेना जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके डालना है आपको इस तरह से बैटर को, ठीक है, और आपको इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बिल्कुल कम गरम तेल में नहीं फ्राई करना और बहुत तेज़ फ्लेम पे, बहुत तेज़ गरम तेल में भी इसको आपको नहीं तलना है, आपका जो फ्लेम है वो मीडियम गरम यानी कि मध्यम गरम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लो ना ही बहुत ज़्यादा हाई। तो सारे वड़ा डाल देने के बाद कढ़ाई में जितनी जगह हो उसके हिसाब से डालना और उसके बाद आपको इसको 2 मिनट शांति रखनी है, थोड़ी देर रुकना और फिर उसके बाद इसको पलटना।
बस फिर लगातार इस तरह से मीडियम फ्लेम पे थोड़ा बहुत चलाते हुए बीच बीच में उलटते पलटते हुए लगातार आपको इसको फ्राई कर लेना है, तब तक जब तक इस पर एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, सुनहरा रंग नहीं आ जाता। और अगर आपने बैटर को पतला रखा होगा तो पहली बात तो इसकी ऐसी शेप ही नहीं आएगी, और दूसरा ये कि बहुत ही ऑयली से बनेंगे आपके वड़ा, तो आपको ध्यान रखना है। देख रहे हो किस तरह से एकदम हल्के हल्के से हो गए हैं, ये बिल्कुल लाइट बने हैं, बिल्कुल तैर रहे हैं ऊपर तेल के। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाया, बिल्कुल अच्छे से उसको फेटा है, और कंसिस्टेंसी भी आपके बैटर की परफेक्ट थी, तभी ये इस तरह से ऊपर तैरेंगे। तो एक मैं आपको यहाँ पे पास से भी दिखा दे रहा हूँ, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, आप देख सकते हो कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आ गया है। तो बस इसी तरह से आपको सारे वड़े को फ्राई कर लेना है। पहला बैच फ्राई हो चुका है यहाँ पे, तो मैंने इसको निकाल लिया। अब दूसरा भी हम इसी तरह से जब तक पूरा आपका बैटर ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको फ्राई करते जाना। और गाइस सच बताऊँ तो मैंने कुछ तो ऐसे ही खा लिए थे, क्योंकि ये सच में इतने ज़बरदस्त लग रहे थे ना कि मैं उससे रुका नहीं जा रहा था सच में। एक तो देखने में इतने अच्छे प्यारे से, और ऊपर से खाने में तो थे ही ज़बरदस्त, तो मैंने बीच में फ्राई करते करते ही खा लिए थे। और ऊपर से हमने इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें डाली भी नहीं है, फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त हुआ था। तो आप चाहो तो इसको इस तरह से पकौड़े की तरह भी खा सकते हो। तो देखिए पास से मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना ज़बरदस्त इनके ऊपर कलर आ गया। तो इस बैच को भी मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पर सारे वड़े जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको तोड़कर, इसका टेस्ट कर लेते हैं भाई थोड़ा कि ये अंदर से कैसा है, सॉफ्ट है स्पंजी ये कैसा है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक तोड़ दिया, आप देखो अंदर से इसका टेक्सचर देख रहे हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देख कर ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना सॉफ्ट है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रेस करके दबा कर भी दिखाता हूँ। देखो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मैं किसी फोम की बॉल को दबा रहा हूँ, इतना सॉफ्ट और स्पंजी रूई जैसा नरम है। गाइस बाहर से तो बिल्कुल क्रिस्पी करा रहा है ये। तो अब आपको लेना है दूसरे बोल में गुनगुना पानी, और ये जो पानी है इसमें हम सबसे पहले डाल रहे हैं आधा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून हींग। इसको मिला लेना है अच्छे से, और ये जो पानी है ना ये आपका इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपने इसके अंदर उंगली डाली और ये बिल्कुल मतलब जल गई आपकी उंगली। बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, खोलता हुआ गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना गर्म, हल्का सा जितना आप सह सको उतना ही गर्म होना चाहिए। तो इसके अंदर जो सारे वड़े बनाए थे ना वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको आधा घंटा छोड़ देंगे, जिससे कि ये पानी को थोड़ा सा, अगर आप चाहो तो इसको एक घंटा भी छोड़ सकते हो। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नरम और जूसी बनेंगे। तो अब आपको लेना है बिल्कुल फ्रेश ताज़ी दही, और ये वज़न से 250 ग्राम दही मैंने यहाँ पे ली है। और खट्टी दही आपको नहीं लेना, और पतली दही नहीं होनी चाहिए आपकी, गाढ़ा दही लेना है आपको। इसके अंदर सबसे पहले 2 टीस्पून चीनी और आधा चम्मच नमक डालना है, और इसको डाल के अच्छे से फेंट लेना है, मिला लेना है। आप चाहो तो चम्मच से भी फेंट सकते हो, और तब तक फेंटना है जब तक कि इस तरह से स्मूथ ना हो जाए बिल्कुल, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना दही में वो निकल जाने चाहिए, इस तरह से क्रीमी हो जाना चाहिए आपका। तो अब इस वड़ा को पानी में भीगे हुए हो गए हैं आधे घंटे, और आप देख सकते हो इसका कलर जो है, जो इसका रंग है वो थोड़ा बदल गया है, हल्का सा लाइट हो गया है। तो अब आपको इसको हल्का सा निचोड़ के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेना है। अब देखो बहुत ज़्यादा इसको इतना तेज़ नहीं निचोड़ना कि इसका बिल्कुल आपने निचोड़ा और इसका बिल्कुल जान ही निकल गया, इसका कचुंबर निकल गया, ठीक है। बस है बस एक्स्ट्रा पानी निकालना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना इस तरह। तो अब मैंने यहाँ पे प्लेट पे कुछ वड़े सजा दिए हैं, और इस पर हम सबसे पहले डालेंगे जो दही हमने फेंट के रखी थी वो डालना है आपको इसमें, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, वैसे ज़्यादा ही डालना, कंजूसी मत कर। अब मैंने यहाँ पे लिया है खट्टी मीठी इमली की चटनी, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत जल्द इसकी भी रेसिपी शेयर कर दूंगा। और ये सच में इससे एक तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, और दूसरा ये कि इससे वो लुक आ जाता है कि हाँ भाई दही बड़े हैं। तो आप इसको ज़रूर डालना, और टेस्ट तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाता है। और साथ में इसके ऊपर डालना है हरे धनिया की चटनी, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये भी आपको डाल देना है इसके ऊपर। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, मतलब मुंह में पानी आ रहा होगा आपके भी, और मेरे में तो आ ही रहा था जब मैंने इसको बनाया था। अब आपको इसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर और दरदरा कुटा हुआ भुने जीरे का पाउडर भी आपको इसके ऊपर डालना है। आखिरी में ये दोनों चीज़ों को आप ऊपर से ज़रूर डालना है, इसे स्किप बिल्कुल मत करना, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये दही वड़ा, मतलब इसका क्या लुक आया ना, मतलब ये ऐसा टाइम होता है ना, मतलब अपने आप को कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। अभी बहुत मन कर रहा था कि मैं फटाफट से इसको खा लूँ, लेकिन यार आप सबके लिए वीडियो शूट करनी थी इसलिए मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ा, वरना तो मुझे 2 मिनट भी नहीं लगते और पूरी प्लेट सफाचट हो जाती। डोंट वरी गाइस आई एम जस्ट जोकिंग। तो चलो गाइस अब हम इसकी थोड़ी जांच पड़ताल अंदर से कर लेते हैं कि अंदर से कैसा है भाई। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ, देखो चम्मच इसके ऊपर किस तरह से मक्खन की तरह बिल्कुल चल रहा है, किस तरह से टूट रहा है,
है ना, कितना ज़बरदस्त, मतलब बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ मैं आपको, कितना मुंह में पानी आ गया होगा ये शॉट देख के। मतलब जब आप इसको खाओगे ना, आपके मुंह में बिल्कुल ये घुल जाएगा एकदम, इतना ज़बरदस्त, इतना सॉफ्ट, स्पंजी, जूसी है एकदम। और जाली देख रहे हो आप इसके, कितना मतलब जालीदार, इसका छोटे छोटे जाली दिख रहे होंगे आपको। ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, और जो टिप्स बताया उनको फॉलो ज़रूर करना। ज़िंदगी में आपसे कोई गड़बड़ नहीं होने वाली दही वड़े बनाने में, और हमेशा आप ऐसे ही बनाओगे दही वड़े। तो गाइस, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या पसंद नहीं आया। कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना कि ये रेसिपी कैसी लगी। डाउट हो तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, अगर कुछ नहीं समझ आया तो भी पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।